मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझ गया ना? पहले रिपेयरिंग के पैसे निकाल, सॉरी बोल और निकल इधर से। मैं पैसे क्यों दूं? मेरी गलती नहीं है। अगर नहीं देगा ना तो सबको बुलाकर हंगामा करूंगी। हाँ तो बुलाओ, सबको पता चलेगा किसकी गलती है। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक पुलिस को बुलाती हूँ। अरे रुको रुको, अरे रुको, मैं पैसे दे देता हूँ। इसे अपने जेब में रखो। ए, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तू क्यों बीच में बोल रहा है? किसी के भी साथ गलत हो ये मैं देख नहीं सकता। वैसे भी रॉन्ग रूट से तुम आई थी, इस बेचारे से पैसे क्यों ले रही हो? ए, ज्यादा हीरो बनेगा, पुलिस को बुलाऊं क्या? हाँ बुलाओ। ये जो तुम रॉन्ग रूट से आई हो ना, वो मैंने इस कैमरे में शूट कर लिया है। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, पता नहीं कहाँ से। मेरी बात तुम अच्छी तरह समझ गई ना, चलो पुलिस स्टेशन चलो। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाएगा क्या? लड़की, यहाँ लड़की कहाँ है? अच्छा मजाक चल रहा है क्या? तो फिर इसके बाइक रिपेयर के पैसे दे दो। नहीं दिए तो मैं खुद ले लूंगा, चलो लाओ इधर। अरे ए, अरे सर, लिपस्टिक ही है या पैसे भी है इसमें? हाँ ये लो, बाइक रिपेयर करा लो, जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझसे पैसे लिए ना, तुझे देख लूंगी। देख लेना, थिएटर में मेरी फिल्म लगेगी, देख लेना। अरे क्या हो गया? गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसे वही मार देती, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, सारे पैसे ले गया वो। अरे हुआ क्या था? मैंने एक एक्सीडेंट कर दिया था, और जब मैं लड़ रही थी तब एक लड़का आया और मेरे पर्स के सारे पैसे लेकर चला गया। तुम चुप क्यों थी? बोला ना, कुछ नहीं कर पाई मैं। उसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं जानती हूँ। ओके, अगर कभी दिखा तो मुझे बता देना, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। तुम क्या उसे देखोगे? मुझे मिल गया तो मैं ही नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ, अभी तक वो लड़की नहीं आई? एक्सक्यूज मी, आई एम प्रवालिका। ओह नाइस नेम, अंदर चल के बात करते हैं, चलो आ जाओ। मॉडल बनने के लिए तुमको मेरे साथ समय बिताना होगा। क्यों सर? मैं एक पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, मेरे यहाँ पे 15 ऑफिस हैं, बहुत सारा बिजनेस करता हूँ मैं, लेकिन इसी ऑफिस में मैं इतना समय क्यों देता हूँ तुम्हें पता है? ताकि तुम जैसी मॉडल के साथ मैं कास्टिंग काउच कर सकूँ, इंजॉय कर सकूँ, इसलिए। स्टूपिड, नालायक आदमी, चल फोड़ यहाँ से। अब मैं हीरो का इंट्रोडक्शन लिखूंगा। तेरा बेटा क्या? हेलो अंकल। ए, ज़्यादा मजाक मत करो। इसके फादर मदर एक्सीडेंट में चल बसे हैं, तो अब ये हमारे साथ ही रहेगा। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना तू, ठीक है ना? क्यूट बॉय। ओके दोस्त। अरे हाँ, और वो मेरी कहानी कहाँ तक पहुँची? जानता है, तेरे लिए मैं रात दिन मेहनत करके, रात भर जाग करके एक सुपर हिट कहानी लिख रहा हूँ। मैं खुद तुझे डायरेक्ट करके बॉलीवुड इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री का टॉप का हीरो बनाऊंगा। चलो थैंक्स दोस्त। सोप भी लेना है? अंकल अंकल, क्या हुआ? वो दीदी का फोटो निकाल रहा है। चलो। अबे क्या कर रहा है तू? तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। निकल फोन, फोन बाहर निकल तेरा, फोन निकाल, नहीं तो इधर ही मार डालूंगा तेरे को। निकल निकल। ये तो वही लड़का है, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। ए, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या? क्यों मार रहे हो तुम इस बेचारे को? मार नहीं रहा हूँ श्रीमती, इसने जो हरकत की है ना, उसको देख के शर्म आ जाएगी आपको। अरे वाह, जब आप वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट की शॉपिंग कर रही थी ना, तब ये अलग अलग एंगल से आपकी फोटो निकाल रहा था। चल फोन निकाल बे, देखिए देखिए देखिए। वीडियो बनाएगा। अच्छा हुआ तुझे मारा। आई एम सॉरी एंड थैंक यू। एक्सीडेंट के दिन मैंने जो कुछ भी कहा, सॉरी, और जो आज तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स। इट्स ओके, चल बेटा।
एक्सक्यूज मी, जो भी आपने मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक्स काफी नहीं है, कुछ और भी करना चाहती हूँ। यही तो मेन प्रॉब्लम है आप लेडीज की, गुस्सा आता है तो आप लोग दुर्गा बन जाती हैं, और प्यार आता है तो माँ की तरह ट्रीट करती हैं। तो बताओ क्या करना चाहती हो? आपको मेरे साथ टाइम बिताना होगा। ओके ओके। मेरे साथ यहाँ ट्रेड पर आए हो या फोन पर चैटिंग करने आए हो? और सूप भी ठंडा हो जाएगा। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसे में क्या करना चाहिए। I'm sorry. ऐसा क्या? एक्सीडेंट वाले दिन तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन कुछ अलग है। लड़कियों से झगड़ा करना पसंद है तुम्हें, बात करना नहीं पसंद? अरे ट्रीट के साथ साथ तुम गाली भी दे रही हो। Just kidding. I'm just joking. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मैं और तुम एक दूसरे को नहीं जानते। I'm प्रिया, NIFT में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। प्रिंस, हीरो हूँ। रियली? तुम हीरो हो क्या? अभी नहीं, अभी मूवीज में ट्राई कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एज अ इवेंट मैनेजर इवेंट्स में काम कर रहा हूँ। बॉडी देखकर लगा कि स्ट्रीट फाइटर होगे, अब पता चला कि फिल्म के लिए है। थैंक यू। प्रिया एंड प्रिंस, हमारे नाम की तरह हमारा प्रोफेशन भी एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना? जब पहली बार देखा तो तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, लेकिन अब राय बदल गई है। ओह थैंक गॉड। एनीवे लेट्स बी फ्रेंड्स। हां या। सूप पी लीजिए। सर, आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। लड़की आई हाँ है? हां सर। बुलाओ उसे। जी सर। वैसे आपके फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, मॉडलिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? मैं गई थी सर और ट्राई भी किया। ओह। पर तुम एक काम करो, मेरे साथ इवेंट्स में काम किया करो। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। भाई ये बॉडी बनाने से ज्यादा आसान तो नूडल्स बनाना है, पानी डालो बन जाता है। अगर ऐसी बॉडी बनानी हो तो चिकन खाना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा और इतनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भाई जो लड़का सिस्टर के साथ घूम रहा था ना, मैंने बताया था ना, वही है वो। क्या रे? एक्सक्यूज मी, आप अपने पैर हटाएंगे, मुझे खेलना है। मुझे तेरे साथ खेलने का है। ये बहुत गलत बात है। मेरी बहन से प्यार बहुत महंगा पड़ेगा तुझको। मेरा स्टेटस, मेरा बैकग्राउंड तुझे पता नहीं है। आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, जब मैं आपको ही नहीं जानता तो आपकी बहन को कैसे जानूंगा? भाई मैंने खुद इसे और सिस्टर को खाते हुए देखा था रेस्टोरेंट में, ये झूठ बोल रहा है आपसे। मेरे साथ ड्रामा कर रहा है? ओहो, मुझे जो रेस्टोरेंट में मिली थी वो तुम्हारी बहन है। वो तो बस स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, और सेकंड टाइम मैंने उसकी छोटी सी हेल्प की थी, और फिर हम कैजुअली रेस्टोरेंट में गए थे। अरे भाई आपकी बहन और मेरे बीच में लव शव जैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहन को भूल जा, यही तेरे लिए अच्छा है। नहीं तो मैं आज ही तुझे जान से मार दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर तू समझता क्या है अपने आप? सांड को समझ नहीं आ रहा इसकी तुम। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बे,
सोते हुए शेर को पत्थर मारना जितना खतरनाक होता है, मेरा ईगो हर्ट करना उतना ही खतरनाक होता है। तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया है, तू बस कान खोल के सुन ले। अब तो मैं तेरी ही बहन से प्यार करूंगा, जो उखाड़ सकता है उखाड़ देना, ओके? मार खाने से डर गया क्या? डर गया क्या? इसलिए भाग रहा है? अरे मैं भाग नहीं रहा था, तुम लोगों को मारने के लिए ही इतनी देर तक भगा रहा था। मारूंगा अब। ये ले, खून साफ कर ले। बाहर बहुत कम चोट लगी है, असली चोट तो तेरे अंदर लगी होगी। अब तू पेन किलर ले लेना, उसके बाद हॉस्पिटल जाके अच्छे से ट्रीटमेंट कराना। देखते रहना, तेरी बहन से ही प्यार करूंगा मैं। चल बे, उठ ले। ये चोट कैसे लगी? तेरी वजह से। मेरी वजह से? तू जिस लड़की से प्यार करती है उसी से पूछने गया था, उसी ने मारा मुझको। मैं किसे प्यार करूंगी? मैं किसी से प्यार नहीं करती। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना प्यार किए ही रेस्टोरेंट में घूम रही है उसके साथ। ओ, तो उसके बारे में कह रहे हो? उसने बस मेरी हेल्प की थी तो मैंने ट्रीट दी थी, और बस इतना ही है। इससे ज्यादा हमारे बीच में लव तो क्या, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वाह 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 वाह, क्या अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों की। वो भी वही बात बोल रहा था और तू भी वही बात बोल रही। मुझे पागल समझते हो क्या तुम दोनों? पागलों जैसी बातें मत करो। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तू है। अगर तू दोबारा उससे मिली ना या उसे कॉल किया तो जान से मार दूंगा। अब तक तो मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, तुमने मना किया ना, अब मैं उसी से प्यार करूंगी। जो करना है कर लेना। क्या हुआ प्रिया, कॉफी पे मुझे बुलाकर खुद ही शांत बैठी हो? सॉरी प्रिंस, मेरे भैया ने हम दोनों को गलत समझा। ओह, तो इस वजह से चुप बैठी हो? मुझे लगा तुम्हारे भाई को मारा इसलिए। ऐसा नहीं है प्रिंस, मैं तो तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन भैया ना मुझे नहीं समझते। गलती तुम्हारे भाई की थी इसलिए उसे गिल्टी फील होना चाहिए। प्रिंस, तुमने बिल्कुल सही कहा, एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन मेरे भैया की वजह से हम दोनों दोबारा मिले हैं ना। कुछ देर के लिए तुम्हारे भाई का टॉपिक साइड में रख दें। तुम बहुत अच्छे लड़के हो प्रिंस, तुम सभी लोगों को खुश रखना चाहते हो। ये मेरा नंबर है, सेव इट। तो जिससे कॉल किया था वो नंबर? वो भैया का नंबर था, वो भी सेव रखना, फ्यूचर में काम आएगा। प्रिंस, तुम बहुत ही हैंडसम हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हारी हेयर स्टाइल और सबसे ज्यादा तुम्हारी ये स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। Thank you.
क्या है ये? ध्यान रखना सारा सेटअप अभी तुम वहाँ सबको ड्रॉप करके आना। ध्यान देना। मैं इवेंट में सब प्रवालिका डांसर मॉडल सब आ गए हैं। हाँ सर ठीक है सर। उन लोग का रिहर्सल ऊपर वाले हॉल में करा देना। ओके सर। और बाकी तुम अच्छे से ध्यान रखना। ऑलराइट। हेलो आशीष। हाँ मैं आ रहा हूँ। उधर ही आ रहा हूँ। हेलो प्रवलिका रिस्पॉन्ड। प्रवलिका रिस्पॉन्ड करो। हेलो इवेंट के टाइम पे ये लड़की कहाँ चली गई? यहाँ क्या कर रही है? प्रवलिका प्रवलिका यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ इवेंट शुरू होने वाला है। अरे क्या हो गया? इवेंट में कौन सी ड्रेस पहननी है वो ट्राई कर रही थी तो अब बताता हूँ सर। ये फोटोज फोटो देखी क्या? बहुत अच्छी है ना? हाफ ड्रेस में इतना माइंड ब्लोइंग है तो बिना ड्रेस के फोटो जब दुनिया देखेगी तो हाय हाय कर उठेगी। अगर बचना चाहती हो तो शाम को मेरे गेस्ट हाउस में आ जा। वहाँ पे वॉचमैन भी नहीं है और कोई कैमरा भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। जूते से मारूंगी। ये बात अगर प्रिंस सर को पता चली तो वो तुझे चांद से मार देंगे। प्रिंस? ये प्रिंस कौन है? असल में ये इवेंट तो मैं ही करा रहा हूँ। तेरी ये फोटो फेसबुक यूट्यूब पे अगर अपलोड हो जाए आधे घंटे में ही लाखों कमेंट और लाइक्स तुझे मिल जाएंगे, तो सोच कर बताना। ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चल गई तो वो लोग आत्महत्या कर लेंगे सर, इसलिए उनसे पहले मैं ही जान दे दूंगी सर। अच्छा ठीक है, सुनो तुम आराम करो, मैं उसको जा करके देखता हूँ। Excuse me, sir. हाँ? मेरा नाम प्रिंस है, इस इवेंट का मैनेजर। ओ, तो प्रिंस तू ही है क्या? सर, आपने जो हमारे स्टाफ के साथ किया है वो सही नहीं है। अच्छा किससे क्या बिहेव करना तू सिखाएगा? देख क्या रहा है बे? मारेगा क्या? सर मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, ये पूरा इवेंट डिस्टर्ब हो जाएगा सर। तो फिर फूट और जा अपना काम कर। इतनी गर्मी में किसी को छाते के नीचे दारू पीते देखा है क्या? नमस्ते सलाम भाई। सलाम भाई। वो रिंग रोड के रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ रे? भाई वो साइन करने से मना कर रहा है। फिर तूने क्या किया? उसका हाथ काट के अंगूठे से साइन ले लिया। भाई ये पेपर। अच्छा काम किया। ये ले शराब। अरे भाई रहने दो, कम से कम कंजूसी तो छोड़ दो। भाई क्रिकेट खेले क्या? ओके भाई अभी आओ ना बैटिंग करने के लिए। ए, भाई लड़कियों के साथ चैटिंग करते हैं, लड़कों के साथ बैटिंग नहीं करते हैं। चल जा। राइट आंसर, इसलिए तो तुझे राइट हैंड रखा मैंने। ए, चलो रे चलो। आ, चलो चलो भाई, आप ये चैटिंग वैटिंग क्यों करते रहते हो? शादी कर लो ना। वाइफ तो पोस्टपेड होती है, यूज करो चाहे ना करो बिल तो आता ही है। और गर्लफ्रेंड प्रीपेड रे, जब तक तुम्हारा दिल चाहे यूज करो, पेट भर जाए वो अपने घर तुम अपने घर, क्या समझे? पोस्टपेड है कि प्रीपेड भाई? अरे लैंडलाइन है रे, किसने मेरी बहन का न्यूड फोटो भेजा है? भाई बस आप नाम बताओ, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके ले आऊंगा। हे, कौन है बे तू? प्रिंस। अबे किससे बात कर रहा है जानता है ना तू? हाँ एक जुआरी जो लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। कहाँ है तू बता? वहीं पे आके तुझे गाड़ दूंगा।
कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ, तू उधर ही रुक। प्रिंस, मेरी बहन की फोटो मुझे भेजकर ब्लैकमेल करना चाहता है। ए, क्लैरिटी, तू क्लैरिटी मिस कर रहा है। तू लड़कियों की फोटो लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। तूने जिस लड़की की न्यूड फोटोज ली, वो लड़की सुसाइड करने जा रही थी। सुन बे, तुझे तो मैं इवेंट में ही मारने वाला था। पवन कल्याण का डायलॉग नहीं सुना? गुस्से और प्यार को सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए तुझे वहां छोड़ दिया और यहां आ गया। तुझे क्या लगता है शेर की मांस से तू बच के जा पाएगा क्या? अरे इसको इतना मारो कि इसके हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देनी चाहिए मुझे। अबे छोड़ मुझे। क्या रे, तू कुछ बोल रहा था, सुनाई नहीं दिया मेरे को। बोल बोल बोल। कुछ नहीं बोला। पागल हो गया, भागो। खत्म हो गए बे, अब सिर्फ तू ही बाकी है। 1, 2, 3, 4 राहु काल शुरू हो गया है, गुरुजी ने लड़ने को मना किया। तो अब तू क्या करेगा? दारू पीऊंगा, चलता हूँ। जा। तुम यहाँ कैसे? ये बहुत ही पवित्र मंदिर है, इसलिए हर हफ्ते मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आती हूँ। आज अजीब बात है, तुम इस गेटअप में क्यों हो? इट्स माय बर्थडे। ऐसा क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? ओके, हैप्पी बर्थडे। अरे मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ? मेरी महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी मतलब? मेरी माँ। ओ अच्छा, तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है, तो तुम मंदिर में क्या कर रहे हो? मैं बचपन से अपनी माँ के बर्थडे पर हर साल इस मंदिर में आता हूँ।
यहाँ पूजा करके फिर अर्चना करके अपनी माँ को फोन करके उनको बर्थडे विश करता हूँ। बहुत प्यार करते हो ना अपनी माँ से? हाँ तो क्यों? जब मैं छोटा बच्चा था ना तब खा नहीं पाता था तो मेरी माँ खिलाती थी। बहुत प्यार दिया है माँ ने और मुझे इस काबिल बनाया। प्रिया क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे जैसा ख्याल रखने वाला कोई मेरे पास नहीं है। ऐसी बात है क्या? बस एक मिनट रुको, मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ। मेरी माँ ने एक बार तुमसे बात कर ली ना तो हमेशा करेगी। हैप्पी बर्थडे माँ लक्ष्मी। थैंक यू बेटा। मंदिर गया था क्या? पूजा अर्चना करने के बाद ही तुझे फोन किया है। माँ तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे तुम अरे नहीं नहीं प्लीज प्लीज मैं प्लीज सुन ना आओ बात करो। हैप्पी बर्थडे आंटी। कौन है ये लड़की? थैंक यू बेटी। अरे कौन है ये? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं बाद में बात करता हूँ माँ। बेटा बात तो करो बेटा। कुछ तो चल रहा है। सॉरी प्रिया, मेरी माँ दिल में कुछ भी नहीं रखती है। उसके मन में जो आता है बोल देती है। इट्स ओके, मैं अर्चना करवा कर आती हूँ। हाँ ठीक है। तुमको ड्रॉप कर दूं क्या? नो थैंक्स, मेरे पास स्कूटी है। अब तो सही रूट पे चलती हो ना, या अभी भी रॉन्ग साइड? मैं दोबारा आके पैसे छीन लूंगा। जस्ट जोकिंग। ओके बाय बाय। सुपर एक्सेलेंट, बहुत अच्छा डांस किया। एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल ऑल द बेस्ट। मेरे लिए कुछ ऑफर आया क्या सर? आजकल वही देख रहा हूँ प्रिंस, नए लोगों को कोई काम नहीं देता। आजकल जिनको एक्टिंग नहीं आती वो भी हीरो बन रहे हैं। जो टैलेंटेड है उनके लिए मौका नहीं है, और जिनको मौका मिला है वो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जो नए आए आर्टिस्ट को, फिर चाहे वो कोई एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, उनको काम दे देते हैं। अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो इंडस्ट्री कितनी अच्छी हो जाएगी। अरे तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, आज एक कॉरपोरेट कंपनी ने प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्रिंस, तुम्हें हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलता हूँ ना, ध्यान रखना। अरे सुनो ना अंकल। अरे तो होमवर्क करना। क्या देख रहा है बे? अरे यार तेरी कहानी कहाँ तक पहुंची रे? कहानी हीरो की पूंछ लगाने तक आ गई है। हाँ हाँ। उसके बाद मैं ब्लॉक हो गया। ऐसी बात? अभी चले कर आता हूँ भाई। अरे इतनी जल्दी बैठ ना। अरे बैठ तो। मैं तुझे भंसाली टाइप का शानदार सीन सुनाऊंगा। कैमरा एंगल कैसा होगा ये तू मुझे अच्छे से बताना। ओपनिंग सीन में तो हीरोइन अपनी लंबी पूंछ को आराम से कमर मटकाते हुए धीरे धीरे चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है, और सामने देखते ही शॉक। सामने वो देखती है कि एक बड़ी सी नहर है, अब उस नहर को पार कैसे करूं। तभी हमारी फिल्म का हीरो हीरोइन को नहर कैसे पार कराना है ये डिसाइड कर लेता है। अब उसको आइडिया आता है, देखो नदी के उस पार के पेड़ को, ताड़ के पेड़ को, इस पार के ताड़ के पेड़ को, दोनों पेड़ को आपस में जोड़ लेता है और अपनी पूंछ से गांठ मार देता है। और उस पेड़ के ऊपर से हीरोइन अपनी चाल बलखाती हुई हीरो के आंखों में आंखें डालती हुई चलती रहती है। अब तू मुझे ये बता,
इस सीन के लिए तू अपने कैमरे को किस एंगल से रखेगा ये बताओ। एक मिनट भाई। हाँ सिंपल है यार, एक कैमरे को उनके बीच में रखूंगा और दूसरा कैमरा पेड़ के नीचे। हो गया। क्या है रे, तेरे जैसे टैलेंटेड के लिए हॉलीवुड का डायरेक्टर भी वेट कर रहा है रे। तेलुगु में अगर अवतार 3 बनेगी ना, तुझको ही हीरो साइन करूंगा। इंडिया के सिनेमा को एक स्टार मेरी तरफ से दूंगा रे, मेरा बच्चा। मुझे पता नहीं था इतना टैलेंटेड हूँ मैं। कौन सी कहानी है, जरा मुझे भी बताओ। ऑलरेडी रात में जो मैंने सपने में देखा था वही कहानी आज लिख दी है यार। क्या स्टोरी है? ओपन होते ही तू तेरे चाचा चाची को मिलवाने के लिए जाता है। ओपनिंग में तेरा ही सीन है और वहाँ पर पके हुए कटहल के शेप में एक साली खड़ी है। सेम वैसे ही काली सी एक और साली खड़ी है। और जब तू कटहल जैसी साली को गोद में उठाकर जाता है, रेलवे स्टेशन पर ही तेरे चाचा चाची आ जाते हैं। और तू बिल्कुल दिलीप कुमार के स्टाइल में, राजकुमार के जैसी आवाज में, और फिर और सिर्फ दो बूंद आंखों से आंसू गिराता है, फटाफट उनको सब बता देता है। तब तेरी गब्बर जैसी चाची और हेमा मालिनी की जैसे तेरे कदमों में गिर जाती हैं। अब तू सच बता, मेरी कहानी कैसी है? हे 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 हे, कुत्ते कहाँ भौंक रहे? तूने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं रे, तेरी कहानी सुपर्ब है। इसका टाइटल ये डिसाइड करेगा। मेरे प्यार करे मेक। ओए, सपने में देखी कहानी को कॉपीकैट बता रहा है ये। अबे उनकी स्टोरी को तूने कॉपी किया ना, तेरी स्टोरी को उन लोगों ने नहीं कॉपी किया। अगर तू ऐसे ही कॉपी कर करके लिखेगा ना, तो एक ना एक दिन तेरे को कॉफी शॉप खोलना पड़ेगा और तेरे को वहाँ पे कप प्लेट धोना पड़ेगा। इनके भरोसे रहा तो बंद। जो कहानी तू सुना रहा था वो चुराई हुई है ना? तू वो सब बातें भूल जा, तू जाके दारू और आइस लेके आ। दारू के लिए मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी, तुझे दारू तो क्या पानी भी पीने नहीं दूंगा। बंटी से पढ़ने भी नहीं देता। अरे छोटे भाई, बियर देने वाला नाग देवता गया। ऐसे अचानक शॉपिंग क्यों? मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, कौन सी ड्रेस लूं समझ में नहीं आ रहा है। फैशन डिजाइनर हो, कैसे समझ नहीं आ रहा? हेलो, फैशन डिजाइन करने के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए नहीं। इसीलिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर आई। अब तुम्हें क्या पसंद है, मुझे क्या पता। दिल से देखोगे तो पता चलेगा। दिल से देखना है, क्या देखना है? हेलो, इट्स ओके ना? अब ये देखो, घटिया पसंद है इसकी। क्या हो गया है इसको, कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आ रहा है। ये ठीक है ना? बाय, टेक केयर। कहाँ गई थी? शॉपिंग करने। किसके साथ? अकेली गई थी। मार डालूंगा। सबके सामने उससे हक कर रही है, बाय बोल रही है, मैं बेवकूफ क्या? और यहाँ आके झूठ बोल रही है, मैं पागल हूँ क्या? अगर ये बात पापा को पता चली तो ना प्यार करने के लिए तू जिंदा रहेगी और ना तेरे साथ रहने के लिए मैं। मार डालेंगे हम दोनों को। भूल जा उसको, नहीं तो हम लोग तुझे भूल जाएंगे, समझ रही है ना? भाई, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। बुलाओ उसे। मेरा नाम मणि है। तो मुझे क्यों बता रहा है बे? तुमसे एक काम कराना था मुझे। अगर कोई काम कराना है तो मेरे आदमियों से मिल ले, हो जाएगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये तेरा और मेरा मैटर है। ज्यादा बोल बच्चन, नहीं काम की बात कर। वो प्रिंस, क्या हुआ तुझे?
ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है तू? हाँ, तेरे रिएक्शन से पता चलता है तुझे प्रिंस से कितनी ज्यादा नफरत है। मुझे पता है तुम भी उसे मारना चाहते हो। उसे जान से मारना चाहता है? ऐसा क्या कर दिया उसने? मेरी बहन से प्यार करता है वो। ओहो, तो मार डालना उसको, मेरे पास क्यों आया है? उसे मारने के लिए एक आदमी काफी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो किसी ना किसी का सपोर्ट तो चाहिए होगा ना, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। हमारा दुश्मन एक है। तेरी बात सुन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सपोर्ट तुम मुझे दोगे? स्केच मैं तैयार करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो मार डाल उसे। मैं अपने बाप की पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके तेरे हाथों किए हुए मर्डर के इल्जाम को दूसरे पे डालूंगा। तो तय हुआ, कल से ही शुरू होगा, उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू होगा। मिलते हैं। कहाँ है सर? ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ से शूटिंग शुरू हो रही है, तुम आ जाना ना टाइम से। सर। ओके ओके। हाँ। क्या हुआ सर, आपने इतना अर्जेंटली कॉल किया? कंग्रेचुलेशंस प्रिंस, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। किस लिए सर? बैठो, बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना प्रोडक्शन कंपनी का, वो कंपनी लॉन्च हो चुकी है। तुम्हारी प्रोफाइल बहुत पसंद आई उन्हें, वो तुम्हें लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। Yes. तू बहुत लकी है रे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना, ऑडिशन होगा तेरा, लेट मत होना। दोपहर में मुंबई की फ्लाइट है उनकी। सर सुबह 8 बजे ही ऑफिस आ जाऊंगा मैं। तुम्हारी ये सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी उन्हें बहुत पसंद आई है। कल सुबह ऑडिशन के लिए तैयार होना है ना सर, मैं चलता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। जी सर। मैं फिल्मों में ट्राई कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छी हेयर स्टाइल और अच्छी बियर्ड स्टाइल चाहिए। आप अंदर चलिए। कैसे तुमने आज कैसे मुझे फोन किया? अरे ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा मैं ही फोन करती हूँ ना, लेकिन तुमने कभी फोन नहीं किया था। Anything special? Yes, something special. इस हीरो को हीरो बनने का मौका मिल गया है। Oh wow, really? What a good news! Congrats, hero sir. Thank you. आप हीरो बनने के बाद मुझे तो भूल ही जाएंगे ना? इस प्रिंस के चाहे कितने भी दीवाने हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तुम रहोगी। शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही डायलॉग बहुत अच्छे से बोल रहे हो। एनी हाउ, ऑल द बेस्ट हीरो। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। पहले एक पैक पी लूं, फिर तू देखना मैं कितनी क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। प्रिंस को हीरो का चांस मिला है, इसलिए हमको भी दारू मिला है। जरा बताना, कल ऑडिशन के लिए इन दोनों में से कौन सा ड्रेस अच्छा रहेगा? तुझे जो पसंद है पहन ले, ओके? अच्छा। बंटी, बाय बाय। अच्छा, इस शूज के बारे में भी बता दो, कौन सा शूज अच्छा रहेगा, ये वाला या ये वाला? तुझे जो पसंद है पहन लेना, चल जाए यहाँ से। बंटी, अरे पागल है। इन दोनों में से चश्मा कौन सा अच्छा है, ब्राउन वाला या ब्लैक वाला? अरे तुझे जो भी पसंद है चुपचाप पहन लेना यार। हाँ, क्या पहनना बोल रहा है? चीयर्स भाई, चीयर्स। अरे भाई एक छोटा सा डाउट है, कल सुबह मैं जल्दी उठ पाऊंगा ना, बता दो। मेरे भाई तू अलार्म लगा के सो जाना ना। अलार्म नहीं बजा तो हम दारू पिए, ये तू चाहता है कि नहीं चाहता है?
सॉरी दोस्तों, तुम लोग अगर तुम शादी करने के लिए लड़की भी देखने जाएगा ना तो वो भी इतना नाटक नहीं करेगा। अगर शादी के लिए एक लड़की पसंद नहीं है तो दूसरी लड़की देख लो। लेकिन हीरो का चांस नहीं मिला तो? नो, हीरो का चांस मिलना चाहिए। मैं डेफिनेटली हीरो बनूंगा। ए, कल मैं ऑडिशन के लिए अच्छे से तैयार होके आऊंगा। ए, तू अकेले में ऑडिशन की तैयारी कैसे करेगा? एक मिनट रुक। तू है हीरो, मैं हूँ विलेन। अपुन कौन है? अपुन के बारे में जानता है क्या? अबे तू कोई भी हो, मेरे को क्या? अपुन की फाइटिंग स्किल जानता है? तेरे को एक मारूंगा ना तो तू इधर से भाग जाएगा। चल निकल अभी। तूने मुझे मारा ना, अभी बताता हूँ। तू कौन है बे? तू खुद को क्या समझता है बे? सांड समझता है? मेरे इस टेडी बियर जैसे दोस्त के पीछे कोई नहीं ये समझता क्या? मैं इसके पीछे हूँ। तेरे सामने खड़ा हूँ मैं, तेरे पीछे कौन रहेगा? अरे ये क्या हो रहा है बंटी? तू इधर किधर है? इधर आ। क्या रे, तू मेरे पीछे क्या कर रहा है? तू भी इधर आ। सारी दाढ़ी लगी रहे मेरी। उतर गई, उतर गई। एक बार वापस ट्राई करूंगा। चुप हो जा, एक और राउंड हो जाए। कोई ऐसे मारता है क्या? बस कर भाई, मेरा प्यारा दोस्त हीरो नहीं होगा। जिग 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 या हीरो। क्या पहनू? यस, ये सही है। मैचिंग। मिसिंग है, क्या मिसिंग है? गॉगल्स। समझ गया। कबाली। क्या हीरो लग रहा है। बॉस।
क्या है ये? कब तक यहाँ आने वाला है वो? ट्रैफिक में फंसा होगा सर, आता ही होगा। दोपहर में मुंबई की फ्लाइट है उनकी, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना, ऑडिशन होगा तेरा। सुबह 8 बजे ही ऑफिस आ जाऊंगा मैं। क्या मजाक लगा रखा है, ऐसे कैसे हीरो बनेगा वो? दोबारा कॉल लगाता हूँ सर, लगाता हूँ आपके सामने, लगाता हूँ, आता ही होगा। ये क्या मजाक है सर? बस थोड़ी देर और सर। दोपहर के बाद मेरी फ्लाइट है मुंबई की, कैसे जाऊंगा मैं तुम्हारे चक्कर में? बैठो यहाँ। सर 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 5 मिनट और बस मत आना, समझे? प्लीज सर, प्लीज सर, आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया ये, इतना लापरवाह तो है नहीं, कहाँ होगा अभी ये? इसका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरा सपना, आज ऑडिशन है, आज मुझे जाने दे, लाइफ का सवाल है। मिस्टर राव, आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। चिंता मत करो, गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट दूंगा। क्या कमाल का गिफ्ट दिया तूने बेटा, मैंने तुझे बोला था फिल्मों का चक्कर छोड़ दे, कोई ढंग का बिजनेस वगैरह कर, मेरी सुनता ही कौन है? देख रही हो तुम क्या हालत हो गई इसकी? सिनेमा में काम मिल गया है, रात को तूने बताया था, ये देखने के लिए क्या? प्रिंस, प्रिंस, जब मैंने फोन किया और तुम नहीं पहुंचे तो मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा तुम्हारे साथ। वहां वो मैनेजर तुम्हारे ना आने की वजह से मुझे सुना कर चला गया। खैर कोई बात नहीं है, वो नहीं देगा काम तो कोई और देगा। इसी हॉस्पिटल में तुमने मेरी बेटी को पैसे देकर बचाया था, लेकिन तुम इस हालत में मुझे यहां मिलोगे सोचा नहीं था। जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसे छोड़ेंगे नहीं। जाने मत दो, जान से मार दो, ये सब मेरे भैया ने किया है। जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया था तो मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की होगी। इसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। सोचा था कि हम ना रहे तो भी तुम इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखोगी। अब जो हुआ सो हुआ, मेरे बेटे के आसपास भी मत आना तुम। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जो कुछ भी हुआ उसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। डोंट वरी प्रिया, तुम्हारे भाई को मैं देख लूंगा। वो कहते हैं कि जब भी रोना आए तो रोना बहुत बुरा होता है ना? लेकिन जब भी ये दुख आता है ना तो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हम छोटी छोटी चीजों से डरते रहते हैं हमेशा, हम लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मैं जीत न जाऊं।
मैं लड़ता रहूंगा। अब तक तो प्रिंस का बच्चा मर के यमलोक पहुंच गया होगा, पर इसका मुंह क्यों लटका है? वो कमीना प्रिंस जिंदा बच गया है। हाँ? मैंने तुझे बोला था उसे जान से मार देने को, तूने क्यों नहीं मारा? मुझे लगा था वो मर जाएगा, लेकिन बच गया वो। चल फिर भी ठीक है, मैं उस दिन उसका कुछ नहीं कर पाया था। यह सोच सोच कर मैं रात रात भर परेशान रहता था, नींद नहीं आती थी मुझे, लेकिन अब मेरे कलेजे को पूरी तरह से ठंडक पहुंची है। हम लोगों ने उसे कुत्ते की तरह मारा है, बस इतना ही काफी है। अगली बार जब भी वो तुझे मिले तो वहीं दफन कर देना उसे तू, और कंफर्म न्यूज लेकर आना। कमती हो जा, चले। तेरा आशिक नहीं मरा इसलिए रो रही है क्या? नेक्स्ट टाइम उसे पक्का मार दूंगा। तुम बच के रहो जितना हो सके। वो तुम्हें चांद से मार देगा। तुम्हें पता है उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा है? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। बड़ा यकीन करती है ना तू, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भूल जाओ उसे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। जरूर करूंगी, प्यार करती हूँ प्रिंस से। आई लव प्रिंस। प्रिंस इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? दो चार दिन और आराम कर ले। हाँ यार, अच्छे से ठीक हो जाने के बाद ही बाहर जाना। ए, तुम लोग ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को बड़ा मत बनाया करो। क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तुम ही बताओ आखिर घर में कब तक बैठूं? वहां पे क्लाइंट्स कॉल कर करके थक गए हैं, इवेंट्स कौन करेगा? उनसे मिलके आता हूं मैं। हमारे प्रिंस पाइप का सही से यूज करेंगे तो खेतों में टाइम पे पानी का सप्लाई हो और अच्छी फसल उगेगी। ये गांव के सभी लोगों को बताइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। एक्सक्यूज मी सर, वो थोड़ा खाना बच गया था पार्टी का, कहिए तो डस्टबिन में फेंक दो। खाने को कूड़ेदान में फेंकेगा तू? अन्न की कीमत पता है तुझे? अन्न की हमारे देश में पूजा होती है। एक टाइम का खाना मिल जाए इसलिए लोग प्लेटफॉर्म पे बैठकर भीख मांगते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं और तरसते रहते हैं। सर, वो खाना आप हमें दे दीजिए, हम गरीबों में बांट देंगे। तुम जैसे लोगों की हमारी कंपनी में जरूरत है। अब से हमारी कंपनी की एड, इवेंट सभी आप ही हैंडल करोगे। उसके सारे डिटेल आपको मेल कर दूंगा। थैंक यू सर। ये खेत क्या है, ये जंगल क्या है, हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया है तू बता? अबे, हम इस प्रिंस पाइप के बारे में तो गांव वालों को बताने आए हैं। अगर तू ना घर में बैठ के लिखेगा ना तो ना अच्छी स्टोरी बनेगी ना अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी। चल ये पकड़, चलो रे चलो। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? वो बोतल वापस कर दो बेटा, मुझे मर जाने दो। ऐसी कौन सी तकलीफ है आपको? क्या रे आर्या, तुझे पैसे दिए हुए 2 साल हो गए, अभी तक ब्याज का 1 पैसा नहीं मिला। आपकी एक एक पाई चुका दूंगा, इस बार फसल आने दीजिए सेठ जी, मेरे लिए तो खाना पीना भी दुश्वार हो गया है। क्या लगता है तुझे, तेरे ये आंसू देखकर मैं पैसे भूल जाऊंगा? यही सोच के गिड़गिड़ा रहा है ना? अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो मेरी एक बात याद रखना, तेरी बीवी और बेटी को उठा के ले जाऊंगा। सरकार ऐसा मत करो सरकार, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सरकार। कल पैसे मिल जाने चाहिए। लेंथ कितनी है खेत की? सर लगभग 3 हेक्टेयर के हिसाब से वो उतनी जगह है। कौन है सरकार आप, और यहाँ क्या कर रहे हैं? बैंक से जो तुमने लोन लिया था उसका मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं दिया तुमने, इसीलिए बैंक की तरफ से इस खेत का नाप ले रहे हैं। नहीं 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 सरकार, ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यही खेत मेरा सहारा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे गरीब पे अत्याचार मत करिए। मरना है तो मर जाओ, मेरा क्या जाएगा, हर कोई जो देखता है रोने ही लगता है।
इस दुनिया में न्याय नहीं। माँ की तरह हमारा पेट पालने वाला खेत अब हमारे हाथ से चला जाएगा। मेरी बच्चियों को लेकर वो लोग चले जाएंगे। एक जमाने में टीचर की सैलरी 4,000 होती थी, लेकिन अब 50,000 रुपए मिलते हैं। एक जमाने में खाद 420 रुपए में मिल जाता था बेटा, लेकिन अब 1250 रुपए लग जाते हैं। एक जमाने में किसान की गाढ़ी मेहनत की फसल की 1300 रुपए मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 1600 रुपए मिलते हैं बेटा। इसी देश में किसान के साथ ये होता है। कोई कैसे जिएगा बेटा बताओ। आप चिंता मत कीजिए बाबा। बंटी वाइड एंगल से ले बल्टी, यहाँ से, हाँ यहाँ से ले, यहाँ से और क्लोज। कौन है तू? मुझसे क्या दुश्मनी है? बाबा यहाँ आना। हे तू कौन है रे? ज्यादा हीरो बनेगा तो पुलिस को बोलकर जेल में डाल दूंगा। अब मैं गोली लगाता हूँ। ए, गुंडागर्दी करता है, पुलिस को जाके बता दूंगा। मुझे जेल में डालना इतना आसान है क्या? और क्या कर सकता है? इस किसान ने सिर्फ 25,000 का लोन लिया था और ये आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। वही 10,000 करोड़ लेके भागने वालों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो तुम लोग? डर लगता है क्या उनसे तुम्हें? जाके उन लोगों को पकड़ो। सिर्फ तुम लोगों की वजह से गाँव में किसान, चौकीदार, सड़क के भिखारी हर घंटे मर रहे हैं। सिर्फ तुम लोगों की वजह से गरीब जी नहीं पा रहा। अब भी मौका है, बदल जाओ। जानते हो क्या किया है तुमने? सड़क पे घूम रहे भिखारी, अपार्टमेंट में बैठे चौकीदार सिर्फ तुम लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। समझ में आया कि और अच्छे से समझाऊं? ये बाबा का लोन मैं सेटल कर दूंगा। ए, इनकी अकाउंट डिटेल्स ले लो। मुझे याद कर रही थी ना? दिल में रहता हूं ना मैं तुम्हारे। एक मिनट सुनिए, आप मेरे साथ आएंगे क्या? यहीं तक आना था। ओके। हेलो, ओए, लिफ्ट दिया तो थैंक्स नहीं चाहिए क्या? मुझे इस लड़की पे डाउट क्यों हो रहा है? अरे, तुम यहाँ कैसे?
दो दिन से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? ठीक ही किया, पेपर में टीवी में तुम्हारा मिसिंग का एड नहीं दिया। अच्छा, तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया तो? अरे ऐसा क्यों, मुझे कौन किडनैप करेगा? कौन जाने, आप समाज सेवा कुछ ज्यादा ही करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इवेंट के काम से मैं एक गांव गया था। ये बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दो दिन से मेरे सपनों में आ रहे हो तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, इसीलिए यहाँ लेकर आई। मैं तुम्हारे सपनों में आया था? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? फ्रेंड नहीं, लवर हूँ मैं तुम्हारा। फ्रेंड नहीं, लवर हो तुम। प्रिंस, क्या हुआ तुझे? हम जिस काम से गए थे है? वो काम तो हमने किया ही नहीं। अब ये कंपनी वालों को क्या बोलूंगा समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत ले, जो काम था वो डन है। नहीं समझाना, याद कर तूने उनको कैसे मारा था? प्रिंस पाइप से मारा था ना? ना उस पाइप में कोई मिट्टी लगी थी और ना ही जरा सा डेंट था। पाइप मुड़ा नहीं, पाइप टूटा नहीं, इसका मतलब ये पाइप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही है ना, यही बात जाके गाँव वालों को बता देंगे। लेकिन वो कैसे? एड रेडी। बहुत दिनों बाद तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। चलो चल चल। उसको ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है। उसके सर का बाल भी उखाड़ने की औकात नहीं है तेरी। पहले तो मुझे लगा था सिर्फ एक लड़की के लिए मुझे परेशान कर रहा है वो, लेकिन अब वो मेरे बिजनेस में भी इंटरफेयर कर रहा है। जो इवेंट मेरे पास आना चाहिए था छीन रहा है वो मुझसे। उसका इंतजाम करो वरना धोबी के कुत्ते हो जाएंगे हम लोग। अगर तुझसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे बोल, बावन गाछी से गुंडे बुलाऊंगा मैं। उसकी जरूरत नहीं है बे, इस बार मैं मार दूंगा उसे। तू एक लंबा हार तैयार रखना उसके लाश पे डालने के लिए।
Hey, मेरे को नहीं मालूम तुमको यहाँ किसने भेजा है, लेकिन काय के लिए भेजा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कॉम्प्रोमाइज करके निकल जाओ यहाँ से, सॉरी बोल के निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो फाइट करना है तो अपना दिमाग एकदम फिक्स कर लेना। 1, 2, 3, 4 अपोलो हॉस्पिटल में फोन करके अपने लिए 4 बेड रिजर्व करवा लो, आधे घंटे में फाइट खत्म हो जाएगी। ऑप्शन मेरा, फैसला तुम्हारा, अच्छे से सोच लो। अब तो तू गया। ए, दूसरे किसी के लिए अपना हाथ पैर क्यों तोड़वाना चाहते हो? माँ बाप को बहुत दुख होगा। मेरे गुस्से को झेल सके ऐसा कोई बना नहीं। बात करने का ज्यादा टाइम नहीं है। गो टू अपोलो हॉस्पिटल, ऑल द बेस्ट। को ठिकाने लगाना है, चल चलते ना। इतने लोग हैं यहाँ, इतने सारे लोग हैं, इतनी पब्लिक में उसे मार पाओगे क्या? अगर हम उसको कहीं अकेले में ले जाकर मारेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पब्लिक के बीच में मारेंगे तो पब्लिक में हमारी दहशत और कायम रहेगी, समझा? रुक क्यों गया? उसको मारने जा रहा हूँ भाई। अपनी शक्ल देखी है तूने? जो तू उसको मारेगा, जब मैं उसको मारूंगा तो मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं होना चाहिए। फिर मैं क्या करूँ भाई? कार के पास इंतजार कर। किस बिल में छुपा है? जीवन में हमने क्या सिखाया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन ने हमें क्या सिखाया है अगर ये मालूम हो जाए तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे।
लेके इसके पेट में घुसेड़ देता हूँ। अरे हलवाई, चाकू लेके इधर उधर क्यों घूम रहा है? जाके टेंट में जाके सब्जी काटना। अबे धृतराष्ट्र के औलाद, मैं तुझे खाना बनाने वाला दिख रहा हूँ? तो हलवाई तो देख रहा है। अबे गधे, ये प्याज काटने वाला चाकू नहीं है, गर्दन काटने वाला चाकू है। अरे बचाओ, ये गुंडा मुझे मार डालेगा। अरे बचाओ, बचाओ। मुंह लटका के क्यों बैठा है? पेट भर गया ना भाई, उसे भगा भगा कर मारूंगा, यही कहा था ना, पेट भर गया। ज्यादा मत सोचो भाई, चाकू उठाओ और चलो खाना बनाएंगे। तुम तो भाग कर आ गए भाई। डर गया था, वहां लोग मुझे मारने वाले थे, इसके लिए डर गया था मैं। उसको नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। मुझे मारने की तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मेरे को मार नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर सीधा साईं बाबा का आशीर्वाद है और पब्लिक का ढेर सारा प्यार है। लेकिन मुझे मारने के लिए इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। तेरे एरिया में, तेरी आंखों के सामने, वहां रोज 10 मिनट आऊंगा, तू रोज कोशिश करते रहना। अच्छा, इतनी दूर आ ही गए हो तो ये प्रसाद लेके जाना, बहुत फायदा होगा तुम्हें। एक मिनट, ये प्रसाद ले लो। हाँ, अरे इसने तो बॉडी अच्छी बनाई है, बॉडी तो मस्त है तेरी, लेकिन दिमाग नहीं है इसके अंदर। एक काम करो, उससे पूछो, वो बताएगा तुमको। अमूल बेबी, तू को समझा क्या? वहां तो इतने लोग थे इसलिए आपने छोड़ दिया, अभी तो अकेले था ना, अभी क्यों छोड़ दिया? ऐसा बोला क्या? तो मेरी समझ में क्यों नहीं आया? अरे यही तो वो बोल के गया। ठीक है, पहले हम लोग चल के इस प्रसाद को खाते हैं, राइट टाइम पे देख लेंगे उसको। चल सुधर। ए हेलो, क्या हुआ? आजकल बहुत बिजी हो, नजर नहीं आ रहे, टाइम पर खाना नहीं खा रहे हो, सो नहीं रहे हो। तुमको किसने बताया ये? चंटी बंटी ने। थोड़ा सा बिजी हूँ। वो तो हमेशा ही रहेगा ना, हेल्थ का भी तो ध्यान रखना होगा ना। हेल्थ है तो सब कुछ है। मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तुम्हारा फेवरेट राजमा और चावल। मुझे राजमा चावल पसंद है, ये तुमसे किसने कहा? अब तुम्हारा फेवरेट खाना जानने के लिए भगवत गीता और रामायण पढ़नी पड़ेगी क्या? 2 दिन ऑब्जर्व किया तो पता चल गया मुझे। अच्छा डायलॉग बोलती हो, राइटर बन जाओ, बहुत आगे जाओगी। हाँ एक चीज भूल गया था, मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने हॉस्पिटल में जो तुम्हें डांटा था उसके लिए शर्मिंदा है। I'm excited. उन्हें बहुत बुरा लगा है। बिल्कुल पक्का, नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। वहाँ ठंड बहुत है और बर्फ भी ज्यादा है, जब भी तुम्हें ठंड लगे इसे पहन लेना। मैं सोचता था सिर्फ मेरी माँ मेरा ध्यान रख सकती है। थैंक्स। तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? ओके बाय। भाई क्या सोच रहे हो बताओ, प्रिंस के बारे में ही सोच रहे हैं ना? भाई इतना टेंशन काहे को ले रहे हो, डैडी मिनिस्टर है, एक फोन करो सारा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। यही सोचकर मैं गया था एक बार डैडी के पास, तो वो बोले कि उनकी प्रॉब्लम क्या कम है जो मेरी प्रॉब्लम वो देखेंगे, और मुझे वहीं से भगा दिया। अगर दोबारा गया तो लात मार कर मुझे जायदाद से भी भगा देंगे। अपोजिशन पार्टी वालों ने डैडी के इस्तीफे की मांग करने लगे, जब गुस्से में उन्होंने उस आदमी का मर्डर कर दिया था, तब से मैं डैडी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता। उस प्रिंस को तो मैं देख लूंगा। इसको बोल जाओ मैं उसे देख लूंगा। अभी आइटम कौन है? उस प्रिंस ने मुझे सरेआम पीटा और मेरी इज्जत कम कर दी, इसलिए तुम लोगों के साथ साथ अपना भी बदला ले लूंगा मैं उससे। खुद को सिकंदर की औलाद समझता है क्या बे, जो कहीं भी किसी को भी पीटते जा रहा है वो? नहीं नहीं अभी नहीं, राइट टाइम देखकर ही उसका दाह संस्कार करूंगा। क्या हुआ सर, अर्जेंटली मुझे कॉल किया आपने, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रिंस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया सर? तुमको फिल्म में हीरो बनने का चांस मिल गया। वो क्या बोले सर? कांग्रेचुलेशन प्रिंस,
तुम्हें तुम्हारा पहला ब्रेक मिल गया। सच में सर? हाँ हाँ, जिस कंपनी ने मुझे डांटा था उन्हीं ने तुम्हें साइन कर लिया है। कॉल किया था उन्होंने, फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ। पूरी इंडस्ट्री में ढूंढा, कोई एक्टर पसंद नहीं आया उन्हें। आखिरकार वो तुम्हें लेना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं वो तुम्हें लेकर। इस बार कोई ऑडिशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट शूटिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है प्रिंस, ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से हुआ है। जानते हो प्रिंस, ये मौका हाथ से चला गया था, वापस आया है फिर से। तुम इन सब के हकदार हो। अरे ये मौका भी तो आपकी वजह से मिला सर। थैंक यू सर। गंदा म्यूजिक। कैसे बर्दाश्त करो इसको? ये क्या म्यूजिक सुनाया तो बेचारा मर गया। माइनिंग माफिया कैसे बना बे तू? अरे वो सब छोड़ो, लो खाओ, तुम्हारे लिए मस्त चिकन बिरयानी बनाई है, टेस्ट करो। देख क्या रहा है, खाना खाओ खाओ खाओ। अरे यार, ये तो बिरयानी खा के मर गया, ये चिटफंड के नाम पे पब्लिक को कैसे चीट किया होगा? एक तो यहाँ गिटार बजा रहा है और दूसरा यहाँ बैठ के बिरयानी खिला रहा है, ये लोग खाक मर्डर करेंगे। इनको अंडरएस्टिमेट मत करना, मुंबई शहर में जैसे दाऊद का राज चलता था ना, वैसे इन लोगों का राज चलता है। इस शहर में इन दोनों से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। इनको हेलो ब्रदर्स कहते हैं। हैदराबाद इसके अंडर में है और सिकंदराबाद इसके अंडर में है। अरे वो मर्डर वाला काम पूरा हुआ कि नहीं? नमस्ते भाई। क्या काम है रे? एक सुपारी देनी है। पैसे का बिल्कुल टेंशन मत लेना। But one condition, उसे हमारी आंखों के सामने मारना होगा। इसको रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना। आज तक अपन लोगों ने बहुत मर्डर किया बेटा, लेकिन किसी ने ऐसा डिमांड नहीं किया। अब तक बहुत सारे मर्डर किए हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन पहली बार सुन रहा हूँ। फुल पेमेंट करा तो कर दूंगा। तुम्हारा काम हो जाएगा बाबू। उसका फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, चलता हूँ। ठीक है ना? थैंक यू सर, ये अवार्ड पाके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। आज 15 अगस्त के इस उपलक्ष्य पर हमारे विद्यालय में आए हैं प्रिंस, जो कि यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। प्रिंस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी विद्यालय से पूरी की थी और आज यहाँ पर वे हमारे साथ हमसे मिलने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रिंस यहाँ पर आके हमारे भावी विद्यार्थियों को दो शब्द आकर मार्गदर्शन दे। नमस्ते सर। ये लो। सबको नमस्ते। अगर बिना रुके चलते रहे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये तो मैंने यही सीखा है। कोशिश करते रहिए। आज मेरी सफलता पर, मेरे कॉलेज के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के तौर पे आके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, आप लोग खूब आगे बढ़िए, ऐसा मैं दिल से कामना करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते प्रिंस। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सर, इतनी मेहनत के बाद आप सुपरस्टार बन गए, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? मैं ऐसा कुछ नहीं फील कर रहा। आज मैं स्टार बन गया हूँ, आप लोग को ऑटोग्राफ देने के लिए नहीं,
महंगी गाड़ी में घूमने के लिए नहीं, लाखों का बिल भरने के लिए नहीं। बचपन से ही मैं ये बात कहा करता था कि जो गलत है वो गलत ही है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब तक मैं स्टार नहीं बना था कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब सुनेंगे। जो अब मैं स्टार की तरह कहूंगा तो सब मेरी बात सुनेंगे और सब मानेंगे। सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भी आप हीरो हैं, ये बात आपने साबित कर दी है सर। अगर सब आपकी तरह सोचने लगे तो रियली नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही हेल्दी होगी सर। मैं दिल से यही चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? गूगल से लोकेशन सेंड किया था ना, इसीलिए तो आया हूँ। ये नया गेटअप किस लिए? मेरा बर्थडे है ना। कमाल की बात है, आज ही इतनी बड़ी हो गई। ऐसे भी लड़कियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लेकिन बर्थडे गिफ्ट किधर है? हेलो, बर्थडे मेरा है, गिफ्ट तुम मुझे दोगे। वैसे तो मैं सबको गिफ्ट देता हूँ, लेकिन तुम स्पेशल हो ना, इसलिए मुझे गिफ्ट चाहिए। मैं खुद ही एक गिफ्ट हूँ, मुझे ही ले लो। आई लव यू। आई लव यू टू। महालक्ष्मी, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों बेटा? अब तुम्हारा सासुमा का प्रमोशन हो गया है। सासुमा? प्रिया ने मुझे प्रपोज किया है माँ। कांग्रेस बेटा। सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, अब हमारी बहू का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। लेकिन ये बात डैडी को बताऊंगा माँ तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? आपको क्या लगता है, मैं डैडी को बताऊंगा तो डैडी मान जाएंगे क्या? तेरी शादी के लिए तेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। अगर तू तैयार है तो लड़की कौन है, कहाँ की है, उसके घर वाले कहाँ है, ये सब फटाफट बता दे हमें। अब चल, फोन रखती हूँ, मैं खुद ही वक्त निकाल के बहू से बात कर लूंगी। पर नंबर? तेरे फोन के सारे नंबर मेरे फोन में है बेटा, अब फोन रख। ओहो महालक्ष्मी, तुम तो बड़ी अपडेट हो गई हो। आपको ससुर का प्रमोशन मिला है। हेलो, एक मिनट सर, एक एड कंपनी बात करना चाह रही है, कह रही है आपको एड में लेना है। मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ की डेट दे दो। ओके ठीक है। हेलो प्रिंस, 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 मेरे को सिनेमा में डायरेक्टर का चांस मिला और इसका डीएसपी। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। प्रोडक्शन का नाम क्या है? रास्ते का पत्थर प्रोडक्शन। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। क्या रोज रोज लो ना, क्या नाम है भाई? सुपर रोज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू। हां, मैं आज तक गलत सोचता था कि सही समय गलत समय राहु काल में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए नई घड़ी खरीदी है। लगता अब सही समय आ गया है, देखा ना। क्या वो नहीं आएगा यही सोच रहे हो ना? हीरो है ना, जरा देर से आता है। से वादा किया था ना, इको लेके आएंगे, ले आए। ए पंटर लोग, अपना थोड़ा प्रोग्राम चेंज है। चेंज? हे, हम ई का मारने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ई तुम लोगों को मारेगा। हे, तूने डील हमारे साथ की और सपोर्ट उसका कर रहा है। स्केच तुम लोगों का।
लेकिन कलर भैया जी भर दिए हैं। घबराने का नहीं रे, ये प्रिंस भाई अपने से मिलने घर आया था। सीन चेंज। आहा, क्या बात है, ऐसा संगीत तो मैंने इंडिया में नहीं बाहर में भी नहीं सुना है। क्या बात है, क्या बजाते हैं भाई। आहा, क्या बात कर रहे भैया जी, अरे आज तक हमारी तारीफ कोई नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ नहीं आ? आपको तो AR रहमान और शंकर महादेवन, इन लोगों के साथ बजाना चाहिए आपको। अगर वो भगा देंगे तो फिर? नहीं नहीं, आपको तो हॉलीवुड की मूवीज में बैकग्राउंड स्कोर करना चाहिए। सही बोल रहा है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से? ये लो खाओ, अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाया हूँ, टेस्ट करेगा? खुशबू से ही पेट भर गया भाई। मुझे लगता है आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये क्या बक रहा है? आपको तो 5-star होटल में रहना चाहिए, इस लेवल का टैलेंट है आपके अंदर। क्या कह रहे हो तुम, इतनी ज्यादा तारीफ तो कभी मेरी बीवी ने भी नहीं की। वैसे तुम हो कौन? भाई कल 3 बेवकूफ आए थे आपके पास किसी की सुपारी देने के लिए। आया था? वो मैं ही हूँ। बटर मार रहे हो, हमको मारने आए हो क्या? नहीं भाई, आप कितने टैलेंटेड हो ये बताने आया हूँ आपको मैं। मेरी बिरयानी में इतना जादू है क्या? एक मर्डर करने का कितना चार्ज करते हो आप? 5 लाख से 10 लाख लेते हैं। छी 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 छी, इतने चीप रेट में काम करते हो आप लोग। जिसको ऑडी में घूमना चाहिए वो एम्बेसडर कार में घूम रहा है। आप लोगों को आपकी वैल्यू पता है? और एक लैंड सेटल करने के लिए कितने पैसे लेते हैं? वही 10-20 लाख। लेकिन वो उसी लैंड पे घर बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सही कह रहे हो का? ये भाई, ये आपका अपना घर है? अरे अभी नहीं, किराए का है। क्या भाई, आप अभी भी भाड़े के घर में रह रहे हो? और आपको उनके बारे में कुछ पता भी है? बड़े 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 अपार्टमेंट में रहते हैं वो। भाई आजकल का जनरेशन बहुत बदल गया है भाई, आप भी अपडेट हो जाओ ना। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है रे। तुम्हारी सारी बात समझ गए, अब काम की बात करें। क्या कहना चाहते हो कहो। एक आइडिया देता हूँ, इधर आ जाओ। ठीक है ना? डन भैया, डन। ओ बिहारी भाई, ये लोग शूटिंग में लेट आए हैं, फटाफट तुम इनको खत्म करो, हम तब तक आराम करते हैं। अरे चला, चल के बीड़ी पीते हैं। भाई एक आइडिया दूं, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। इसको जान से मार देना, इसको जान से मार देना। दंडम दशगुणम भवे। क्या बोल रहा है बे? नहीं समझाना, बुरा काम करने वालों को समझाने पर अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनकी खोपड़ी तोड़ दो। नई घड़ी भी बेकार हो गई। अच्छा, इसने मारा था इसलिए मैं गिर गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि विलेन तो हम लोग हैं लेकिन हमारे साथ फाइट मास्टर नहीं है। अब क्या करोगे भाई? करना क्या है, कॉम्प्रोमाइज। तू ए हट, नो कॉम्प्रोमाइज। जब मार खाएगा तो अकल ठिकाने नहीं आएगी। इसे तो मैं मार डालूंगा। मजा आया? अब क्या बोलता है तू? देखो, अगर मैं गुस्से को काबू में करके उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो ये दांत बच जाते मेरे। अब क्या करेगा? अबे क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज? नो कॉम्प्रोमाइज। मैं उसे मार दूंगा। इसलिए Oh!
क्यों जोसली? बिल्कुल सही कहा था तुम लोगों ने, उसके सामने हम में से कोई नहीं टिक पाएगा। ए, सब मिल के मार डालो उसे। क्या हुआ रे? गरीब किसानों से बेवजह का ब्याज वसूले का? धूप में जल के, बारिश में भीग के, रात में दिन में कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं, यहाँ तक कि अगर फसल नहीं काटी गई तो भूखे पेट मर जाते हैं वो लोग। व्यवसाय व्यवसाय नहीं है, सिर्फ व्यापार नहीं है, जिम्मेदारी है। तू जानता भी है एक फसल उगाने में कितना समय लगता है। तुम्हें पता है एक एकड़ जमीन में कितनी फसल लगाई जाती है? किसान ही नहीं होंगे तो खाना कहाँ से खाओगे तुम सब? गाड़ी नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली से लखनऊ तक हर राजनेता बस यही कहता रहता है, किसान राजा होता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। माइक टूट जाने तक बकते ही रहते हैं, लेकिन ये किसान आत्महत्या करते रहते हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इनकी हत्या का? बदलना होगा, इस सिस्टम को बदलना होगा, और इसकी शुरुआत तुम लोगों से होगी। और तू एक बिजनेसमैन है ना, इंडिया को छोड़ करके बाहर की इम्पोर्टेंट सामान लेकर आके जो फायदा देश को मिलना चाहिए वो पैसा तुम बाहर भेज देते हो। क्या समझता है तू बिजनेसमैन है? इंडिया में आखिर है क्या? यहाँ कैसे लोग हैं? कौन है जानता है? अमेरिका में 38% डॉक्टर मेरे भारत देश से है, 12% से भी ज्यादा साइंटिस्ट मेरे इंडिया से है, पूरे वर्ल्ड में 28% से भी ज्यादा IBM उद्योग में लोग मेरे भारत देश से हैं, 36% से भी ज्यादा नासा में लोग मेरे भारत देश से हैं। और जानता है कंप्यूटर से काम करने वाली पेटीएम जैसी छोटी चीज की खोज भी भारत में हुई है। मेरी संस्कृति ही उन अंग्रेजों की भाषा का स्रोत है, ऐसे महान पुरुषों का है ये मेरा भारत देश। लेकिन तुम जैसे कुछ गद्दार लोग मेरे इस घर को बर्बाद कर रहे हैं। और तेरा बाप मिनिस्टर है तो जो तेरे दिल में आएगा वो करेगा क्या? पार्टी ऑफिस से लेके संसद भवन तक जाने के लिए तेरे बाप को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा पता है तुझे? लेकिन तू नाइट पार्टी में जाकर अपने बाप का नाम खराब क्यों कर रहा है? लोहे के एक छोटे से टुकड़े को काट के उसे चाकू में बदला जा सकता है, उस चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है, विदेश के एक राष्ट्रपति की बेटी भी पेट्रोल पंप पर या सुपरमार्केट में भी काम करती है। कम से कम ऐसे लोगों को देखकर तो सीख जाओ, अगर नहीं सीखे तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा। ए, भेजे में अच्छे से ये बात घुसा लेना, समुद्र का पानी जिस तरह से नहीं सूख पाता, ये प्रिंस कभी किसी से नहीं हारता। अरे भैया तुम काम कर रहे हो? मैं हमेशा से एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था,
और मेरे अंदर जो बदलाव आया प्रिंस की वजह से। थैंक यू प्रिंस। अरे भैया आप खेती कर रहे हैं? मेहनत करने का रास्ता मुझे दिखाया प्रिंस ने। थैंक यू प्रिंस। भाई ये पकड़ो पेपर है। अरे भाई ये बदलाव कैसे हो गया? आज से इस कॉलेज में कोई भी दंगा नहीं करूंगा मैं सुधर गया। तुम्हारे लिए कॉल शीट नहीं है? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तुमने कॉल किया था क्या? हाँ? शादी करने के लिए एक छोटा प्रिंस नहीं चाहिए? ओ, पहले भैया से पूछ के आओ। हेलो, ये शादी मेरे भैया ने कराई है। इसका मतलब वो मामा बनेगा? हुँ. तो फिर अपने को क्या टेंशन है? थैंक यू। Thank you.